नमस्कार, आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही बड़े सिक्योरिटी इश्यू के ऊपर है। कल आपने जैसे एक न्यूज देखी जिससे पूरा पुंछ क्या पूरा J&K हिल चुका है कि 4 KG ये जो IED ये जो बरामद हुआ, ये जो ये हमारे पुंछ के डिवाइस SP ऑपरेशन जनाब मनीष साहब ने इसको अपनी टीम के साथ पूरी JKP की टीम के साथ इसको दर्द पहुंचा। अगर ये औरत अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती तो कितनी जाने और कितने घर जो थे वो तबाह हो सकते थे। इस टाइम हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो 4 तारीख को एक रैली कर रहे हैं, इतने बड़े जनसमूह को वो संबोधित करेंगे जिसमें पुंछ के, मैं कह रहा हूं, कोई गांव नहीं रहेगा या कोई तहसील नहीं रहेगी जिससे लोग वहां जाएंगे। क्या ये एक सोची समझी साजिश है? इसमें जो लोग इसके साथ में जो लिंक्ड हैं, जिनके इसके साथ इनके लिंक्स जुड़ते हैं, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे J&K का, हमारे पुंछ का जो अमन और भाईचारा है, जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है, उसको फिर से खराब करने की, हिलाने की एक जो ये सिनिस्टर डिजाइन है, ये जो गलत कोशिश है, इसको हमारी जितनी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ऑनरेबल हमारे LG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इनको लगाएं कि इसके पीछे कौन था और उनको सख्त से सख्त सजा दें। और ये जो 4 तारीख की जो हमारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की जो रैली है, इसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से आ रहे हैं अमित शाह जी को सुनने के लिए, उनको मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। लिहाजा हमारी सिक्योरिटी को बीफअप किया जाए, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट रजौरी को सेफ रखा जाए, यही मेरी आपसे गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद।